Hello guys, today in this lecture I am going to explain the next heading of ionic equilibria, and that heading is known as behavior of salt. आपने salt का इससे पहले कई classification सुना होगा. Salt acidic होता है, salt basic होता है, salt normal होता है, double salt भी सुना होगा आपने alum की form में या complex salt. आज हम इस तरह की classification नहीं पढ़ रहे हैं. आज हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं. सॉल्ट सॉल्युबिलिटी के बिहार पर दो तरह का हो सकता है. वो सॉल्ट जो पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, एक कैटेगरी वो जिसको हम वेरी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं, और एक सॉल्ट वो जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं उनको हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं. ये दोनों सॉल्ट्स पाए कहां जाते हैं, कौन से ये सॉल्ट्स होते हैं? जो सॉल्ट्स पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होते हैं ऑब्वियस वो समुद्र में पाए जाते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर, हमारी पृथ्वी पर. और जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट पर होते हैं, पहाड़ों और पत्थरों में और मिट्टी में मिक्स फॉर्म में रहते हैं. जितने भी सॉल्ट समुद्र में थे ये भी पहले अर्थ क्रस्ट में ही रहे होंगे, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये अर्थ क्रस्ट से बहते हुए, नदियों से होते हुए ये आखिरी में समुद्र में लगातार पहुंचते जा रहे हैं. तो वो सॉल्ट जो वेरी हाईली सॉल्युबल होते हैं ये सी वाटर में पाए जाते हैं, और वो सॉल्ट बहुत स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं ये हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं. अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले सॉल्ट्स का अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो कह सकते हैं मेंडेलीफ टेबल में पाए जाने वाले सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स. इस तरह के सॉल्ट्स बहुत अच्छी तरह बनाते हैं, और शायद इसीलिए उनको हम सॉइल एल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं. सॉइल एल्कली अर्थ एलिमेंट सेकेंड ए ग्रुप, जिसके एग्जाम्पल है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाबू राजी की पोयम से मैंने आपको पहले भी कई बार याद कराया है. अब ये रेडियम रेडियो एक्टिव सीरीज में आता है तो मैं इसे हटा दे रहा हूं. बाकी सारे लोगों को आप अर्थ क्रस्ट पर पाए जाने वाले रेडिकल्स मान सकते हैं. ये वाले एलिमेंट जनरली पानी में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन मैं आपसे सॉल्ट की बात कर रहा था तो मुझे इस कैटायन के साथ कोई एनायन भी देना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए कौन सा सॉल्ट इस कैटेगरी में आएगा. तो वो एनायन को याद करने का तरीका बता सकता हूं मैं आपको. हाथी एक, काऊ एक, फॉक्स एक, के पांव चार. मैंने हाइड्रोक्साइड को हाथी कहा है, कार्बोनेट को काऊ कहा है, फॉक्स को फ्लोराइड कहा है, और पांव पी पांव चार. इस तरह से आप फास्फेट याद कर सकते हैं. इस तरह से ये कैटायन और ये एनायन जब भी मिलकर कोई सॉल्ट बनाएंगे तो वो हमेशा ना के बराबर सॉल्युबल होगा. एकदम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन बहुत कम करेगा, एकदम ना के बराबर. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल बनके निकलता है. और कैल्शियम कार्बोनेट के आपके स्टोन्स और जो मार्बल्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, और ये जनरली पानी को डिसॉल्व नहीं करता. ओके, तो मैं आपको इस तरह के सॉल्ट का डिस्कशन देने जा रहा हूं. इस सॉल्ट इस कैटेगरी में हमें तीन हेडिंगों को अच्छी तरह पढ़ना है. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, केएसपी क्या होता है, और केआईपी क्या होता है. पहले सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्ट का वो अमाउंट, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनी सॉल्ट विच इज सॉल्ट विच इज dissolved in 1 liter of water at 25 degree centigrade. किसी भी सॉल्ट का वो अमाउंट जो 1 लीटर पानी पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से डिसॉल्व कर जाता है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. ये अमाउंट हर सॉल्ट का अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे नमक की बात करता हूं, NaCl, तो NaCl के एक्सपेरिमेंट में देखता हूं कि NaCl बहुत हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है. अगर मैं उसे 1 लीटर पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेता हूं तो 1 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम 200 500 ग्राम बहुत आसानी से नमक डिसॉल्व होता जा रहा है. और मैंने देखा 550 ग्राम तक नमक इसमें डिसॉल्व कर गया. लेकिन जैसे ही मैं इसके बाद 1 ग्राम नमक और डालता हूं, अगर मैं 556 ग्राम नमक डाल दूं, सॉरी 551 ग्राम नमक डाल दूं, तो मैं देखता हूं 1 ग्राम नमक बॉटम पर जाकर बैठ जाता है, मतलब वो डिसॉल्व होने को तैयार नहीं है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट बॉटम पर बैठ जाए, डिसॉल्व ना हो, उसको हम प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या इसी को हम
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और वो अमाउंट जहां तक वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया था उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये सैचुरेटेड है, और इससे पहले जितना भी अमाउंट है, मीन्स अगर आप 1 लीटर पानी में नमक के 10 ग्राम डालें डिसॉल्व हो जाएगा और वो कहेगा और डिसॉल्व कर दो, 15 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 150 200 वो कहेगा और डिसॉल्व कर दो, जब तक वो और आपसे मांगता रहे तब तक आप कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जहां पर अमाउंट 500 ग्राम से क्या है, कम है, अमाउंट इज लेस देन 500 ग्राम। जब अमाउंट लेस देन 500 ग्राम है इन द केस ऑफ नमक, और जब अमाउंट पूरा 550 के बराबर है तो आपने कहा सैचुरेटेड, और जब अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन 551 ग्राम हो गया तब आपने कहा कि वो सुपर सैचुरेटेड हो गया। ये 550 ग्राम मैंने एक एग्जांपल मान लिया समझाने के लिए, आप इसकी वैल्यू को फिक्स मान के याद मत करिए, एग्जांपल दिया कि हर सॉल्ट में ये वैल्यू अलग अलग होती है। इस तरीके से मैं समझ गया कि सॉल्यूशंस तीन तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं बताता हूं केएसपी का क्या यूज है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं आपको केएसपी पढ़ाऊं तो के का मतलब समझ ही गए होंगे, के का मतलब होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एसपी का मतलब है यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एस का मतलब सॉल्युबिलिटी ये डेफिनेशन, और P का मतलब है प्रोडक्ट, मतलब मुझे कुछ आयनों की सॉल्युबिलिटी का मल्टीप्लाई चेक करना होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे करना होगा, उसी को मैं KSP कहूंगा। तो चलिए पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेके आते हैं। हमने क्या करा, एक वेसल लिया, उसमें 1 लीटर पानी लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें हमने चौक डाल दी, ये देखिए चौक, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, चौक मान लीजिए मैंने 100 ग्राम डाली, आपको अच्छी तरह मालूम है चौक पानी में डिसॉल्व नहीं करेगी, लिहाजा चौक शीशे ग्लास में जैसे पड़ी थी हमने शाम को आके देखा वो चौक अभी भी शीशे ग्लास में वैसे ही पड़ी है, इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ, इसको देखकर मैं कह सकता हूं कि चौक पानी में डिसॉल्व नहीं करती। लेकिन एक परिवर्तन मैंने देखा है, सुबह वो पानी एकदम साफ था, अब उस पानी में थोड़ी सी मिल्कीनेस आ गई है, मतलब मैं देखकर कह सकता हूं कि ये पानी पीने लायक नहीं रहा। मैंने इस चौक को जब बाहर निकाला और दोबारा इसका वेट करा तो मैंने देखा ये 9.98 ग्राम चौक बची, इसका मतलब है बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो भी गया है। और जैसे ही थोड़ा सा अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो गया और मैंने बहुत देर वेट भी कर लिया था, जितना डिसॉल्व होना है वो हो चुका था, मींस यहां पर आते आते सॉल्यूशन कैसा बन गया है, यहां पर आते आते सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब आप चाहें तो इस सॉल्यूशन का क्या कर लें, फिल्टर कर लें, चौक को निकालकर बाहर कर दें। यदि आप चौक को निकालकर बाहर कर देंगे तो अब यहां पर आपके पास केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, कुछ ऐसा, चौक को निकालकर आपने बाहर कर दिया। आप सोचिए क्या इस चौक इस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट, क्या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रेजेंटेशन से दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। इसके अंदर पाए जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो डिसॉल्व हो गया है वो अपने आयनों में ऐसे फैल जाएगा। बस आप एक बात याद कर लीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हमेशा इक्विलिब्रियम साइन पर दिखाया जाता है। इस पॉइंट को आप इग्नोर कर लें, वहीं लिख लें, जैसे जब भी मैं आपसे कह दूं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है आप तुरंत वहां पर इक्विलिब्रियम का साइन लगा दीजिएगा। जब तक मैं सैचुरेटेड नहीं बोलूंगा तब तक आप ये साइन नहीं लगाएंगे। इस समय सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने खुद ही कहा है कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, और अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वो कहां पर पढ़ा जाता है, वो इक्विलिब्रियम पर पढ़ा जाता है, और अगर इक्विलिब्रियम पर है तो ये कंडीशन आ चुकी है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास, अच्छा एक और बात, मैंने इसमें यह माना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आयनों में आयनाइज कर गया है, मैंने यह माना है। लेकिन समझाने के लिए एक बात मैं थोड़ा सा और हाइपोथेटिकली मान रहा हूं, उसको आप मान लीजिएगा कि थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर ऐसा भी है जो अनडिसॉल्व फॉर्म में यहां पर पड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा ही अमाउंट है जो थोड़ा सा है और वो अनडिसॉल्व फॉर्म में है। मतलब ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट मैंने मान रखा है कि यहां पर किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, अनडिसॉल्व फॉर्म में पड़ा है यहीं पर, जबकि ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हो चुका है। ये मान लेंगे तो समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलिए, ये जो अनडिसॉल्व अमाउंट है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। चलिए अब
स्टार्स देखिएगा, इस समय अगर यहां पर इक्विलिब्रियम है और इस वाले को मैंने थोड़ा सा अनडिसॉल्वड अमाउंट सॉलिड का मान रखा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो यहां पर K एस्टेब्लिश हो चुका होगा, जिसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R होगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप कह सकते हैं यहां पर इसका फॉर्मूला कैल्शियम प्लस टू एक ब्रैकेट में और कार्बोनेट माइनस टू एक ब्रैकेट में आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर यहां कोई नंबर लगा होगा तो वो पावर में जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट यहां से नीचे आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आपने अनडिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल मान रखा है और आपको मालूम होगा सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा हमने क्या माना है, कांस्टेंट। सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट, ये जो डिसॉल्व फॉर्म है और ये अनडिसॉल्व फॉर्म है, इसको उठा के ऊपर ले जाइए, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे केएसपी। के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एस का मतलब है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय सॉलिबिलिटी ऑफ दिस। तो ये देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय सॉलिबिलिटी ऑफ दिस, और ये कहलाया आपके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो ये आपके केएसपी का फॉर्मूला बन सकता है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। फिर सुन लो, जब भी आप केएसपी डिफाइन करेंगे तो एक कंडीशन नोट कर लीजिए, जब भी आप केएसपी डिफाइन करेंगे तो हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिफाइन करेंगे, और जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिफाइन करेंगे तो वहां पर पाई जाने वाली रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर मानेंगे। ये दो कंडीशन है, आप पहले ध्यान में कर लीजिए। और यहां पर ये वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम मैंने मान ली है क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, तो k बराबर दिस दिस अपॉन दिस, इस वाली वैल्यू को मैंने अनडिसॉल्वड में से मान रखा था, थोड़ा सा पार्टिकल में से मान लिया, थोड़ा सा पार्टिकल रहा होगा, ये समझाने के लिए आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं भी मानेंगे तो ना मानिए, आप कह दीजिए ये वाली वैल्यू बिल्कुल नहीं है, अगर ये वाली वैल्यू नहीं है तो मैं k बराबर दिस इनटू दिस कह दूंगा, तो मैं कह दूंगा इसकी सॉलिबिलिटी मल्टीपल इसकी सॉलिबिलिटी, तब भी वो केस भी कहलाएगा। लेकिन ज्यादातर किताबों के अंदर थोड़ा सा ये वाला पार्ट मानकर समझाया गया है, तो मैंने किताब की ट्रेडिशन को फॉलो करा है और इस वाले अमाउंट को नीचे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, मैंने कांस्टेंट लिखा उसको वापस लाकर रख दिया। ओके, ये बात मैं आपको बता रहा था केस की थी। अब इस वाले केस की में सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, या मैं पूछ लूं आपसे कैल्शियम कार्बोनेट के इस सॉल्यूशन में इसका केएसपी क्या होगा, इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉलिबिलिटी और केएसपी के ऊपर। तो क्या करा जाए इसके लिए, चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करना है इसके लिए, और एक फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले एक बार बता देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट भी मोल्स पर लीटर होती है और इत्तेफाक से सॉलिबिलिटी की यूनिट भी मोल्स पर लीटर होती है। मीन्स जहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं वहां पर आप सॉलिबिलिटी रख सकते हैं, और जहां आप सॉलिबिलिटी रखते हैं वहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं, ये यूनिट हमको बताती है। जरा देखिए, अगर मैं आयनिक के इस चैप्टर में ना सोच करके अपने आप को ये सोचूं कि मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं, तो जरा केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल लॉजिक को सोचिए। अगर मैं मान लेता कि ये मेरे पास कोई अनडिसॉल्व सॉलिड है, जो शुरू से मैंने चौक में रखी थी, मेरे चौक में रखी थी, ये अनडिसॉल्व सॉलिड था मेरे पास, और पानी में डिसॉल्व होने के लिए इस चौक से कुछ पार्ट निकल गया, मैंने मान लिया चौक थी मेरे पास, उसमें कुछ पार्ट निकल गया, तो कितना निकल गया, तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास इस सॉलिड से कुछ पार्ट निकल गया पानी में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स आ जाएगा। अगर यहां कोई नंबर होगा तो पहले टू एक्स या थ्री एक्स आ जाएगा, वही बेसिक लॉजिक होगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं टूटा हुआ पार्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट से टूट करके पानी में गया, टूटा हुआ पार्ट एक्स बराबर ए अल्फा होता है, देखिए जहां पर ए क्या है इनिशियल वैल्यू है, जहां पर ए क्या है इनिशियल वैल्यू है, तो मैं इनिशियल वैल्यू के नाम पर, इनिशियल वैल्यू के नाम पर मान लेता हूं कि इसका थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर गया, और वो पार्ट जो इसके अंदर गया है वही इसकी सॉलिबिलिटी है। यहां थोड़ा सोचिएगा, इसका 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 वो अमाउंट जो पानी में डिजॉल्व हुआ वही इसकी सॉलिबिलिटी है। तो मैं यहां पर इनिशियल वैल्यू की वैल्यू चाहता हूं कि ए के नाम पर क्या रखूं। अब आप ए के नाम पर 100 ग्राम तो रख नहीं सकते क्योंकि 100 ग्राम वाला अमाउंट पानी में डिसॉल्व भी नहीं हुआ है पूरा, तो इनिशियल वैल्यू जो है वो इस 100 ग्राम में से बहुत छोटी सी कोई वैल्यू होगी जो पानी में डिसॉल्व हुई होगी, और उसको मैं मान लेता हूं एस नाम की सॉलिबिलिटी जो कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी है। तो यहां पर आ गया है एस अल्फा,
तो यहां पर टूटा हुआ पार्ट बराबर एस अल्फा, जिसको आप पीछे के नोमेकलों में सी अल्फा कहा करते थे, वहां पर जितना भी सी होता था उसको नोमेकल में बहुत आसानी से दिखा देते थे, क्योंकि वहां पर एसिड या बेस पानी में आसानी से डिसॉल्व कर जाया करता था। यहां पर सॉलिड है, यहां पर एक सॉल्ट है जो जनरली पानी में डिसॉल्व नहीं करता। तो अगर आप इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, अगर आप इनिशियल वैल्यू को यहां पर 100 मान लेंगे तो फिर तो आपको दिक्कत होगी, एक्चुअल में वो सारा अमाउंट पानी में डिसॉल्व ही नहीं हुआ है। तो जो पानी में अमाउंट डिसॉल्व हुआ है वो मेरे पास एस अल्फा था। तो आप कहेंगे इस सॉलिड पार्टिकल से क्या निकल गया, आप कहेंगे सॉलिड पार्टिकल से क्या निकल गया, एस अल्फा निकल गया। ये इस सॉलिड सॉल्ट की सॉलिबिलिटी है। ये सॉलिड है जो आपने 100 ग्राम लिया था, ये सॉलिड है जो आपने 100 ग्राम लिया था, उसमें से कुछ अमाउंट निकल गया जो पानी में डिसॉल्व हो गया, अल्फा उसका डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन है। तो यहां पर क्या आ गया होगा, तो यहां पर क्या आ गया होगा एस अल्फा, और यहां पर भी क्या आ गया होगा एस अल्फा। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मुला पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा एस अल्फा इंटू एस अल्फा। नीचे वाली वैल्यू रखेंगे तो वो तो पूरी कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि यहां से बहुत थोड़ा ही अमाउंट निकला है, इसमें से इस वाले पार्ट की वैल्यू जो निकली है वो बहुत छोटी, मैंने पहले बताई थी, बचा अमाउंट 99.8 ग्राम, मतलब बहुत कम निकला है। अगर यहां से ये वैल्यू बहुत कम निकली है तो इस पूरी वैल्यू को पहले और बाद की वैल्यू सेम ही मान ली जाएगी, लेकिन कोई भी वैल्यू अकेले जब होती है तो वो चाहे जितनी भी छोटी हो वो इग्नोरेबल नहीं होगी। मीन्स ये नंबर यहां पर इग्नोरेबल नहीं होगा, लेकिन ये नंबर इसके कंपैरिजन में इग्नोरेबल होगा, इसलिए मैं नीचे वाली वैल्यू को कांस्टेंट मान के छोड़ देता हूं। तो केएसपी का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, जब तक आपको अल्फा ना दिया जाए तब तक आप अल्फा की वैल्यू सॉल्ट के सभी नोमेकलों में अपने मन से 100 मानते रहिएगा। तो अगर अल्फा दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है सपोज टू बी 100% दैट इज वैल्यू इक्वल टू 1। तो यहां पर केएसपी बराबर क्या आ सकता है, पहले तो हम लिख सकते थे एस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, लेकिन अल्फा की वैल्यू आपने जब 1 मान ली तो ये फॉर्मूला बन गया एस स्क्वायर। तो केएसपी बराबर एस स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बना लिया, ओके, केएसपी बराबर एस स्क्वायर। मैं आपसे कह रहा था कि आपने एक बार ये न्यूमेरिकल कैल्शियम कार्बोनेट पे सपोज किया, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अगर यही न्यूमेरिकल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पर होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता। देखिए देखिए, मैं मान लेता हूं ये शुरू में सॉलिड था, तभी 0-0 था, ये शुरू में सॉलिड वही 100 ग्राम वाला, 100 ग्राम, इसमें से बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी में डिसॉल्व हुआ, तो इसमें से बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी में डिसॉल्व हुआ, तो यहां पर एक्स और यहां पर एक्स, ये एक्स बराबर ए अल्फा, ए इनिशियल वैल्यू, यहां पर मैं इनिशियल वैल्यू उस अमाउंट को मानता हूं जो पानी में डिसॉल्व कर जाती है। इनिशियल वैल्यू वो है जो पानी में डिसॉल्व कर गई, और जो पानी डिसॉल्व करती है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो यहां पर इस जगह पर आ जाएगा एस अल्फा, जहां पर एस का मतलब सॉल्युबिलिटी से है, जहां पर एस का मतलब सॉल्युबिलिटी से है, और इस एस का मतलब सॉलिड से था। इसको उठाकर वैल्यू पुट करें तो आपने कहा एस माइनस एस अल्फा, मतलब सॉलिड माइनस एस अल्फा, यहां पर एस अल्फा, यहां पर एस अल्फा, तो के बराबर कैल्शियम प्लस टू एक ब्रैकेट में, कार्बोनेट माइनस टू एक ब्रैकेट में, अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा एस अल्फा इंटू एस अल्फा, सॉलिबिलिटी का मल्टीप्लाई दैट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, अपॉन इसकी वैल्यू सॉलिड माइनस एस अल्फा। मैं पहले कह रहा हूं कि इन सबकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, इसका मतलब है एस अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, मींस इसमें से निकला हुआ अमाउंट लगभग ना के बराबर होगा, तो कंप्लीटली सेटिंग में खत्म हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं बचा हुआ पार्ट पूरा सॉलिड है, और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा केएसपी बराबर एस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 100% दे रखी है तो केएसपी बराबर एस का स्क्वायर, या एस बराबर क्या हो सकता है रूट केएसपी। ये आपका एक फॉर्मूला बन सकता है सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी कॉन्स्टेंट के लिए। लेकिन अगर यही काम मैं कैल्शियम क्लोराइड के लिए कर रहा होता तो मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड 100 ग्राम है, मान लेता हूं ये कैल्शियम क्लोराइड है 100 ग्राम, तो शुरू में आपने ये पहले सॉलिड लिया था 0-0,
फिर पानी में डिसॉल्व करा 10-15 मिनट आधा घंटा दो घंटा पड़ा रहने दिया और आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने दिया। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा और इक्विलिब्रियम सारे लॉजिक लग जाएंगे। इसका मतलब कुछ देर के बाद आप इस सॉल्ट में से एक्स अमाउंट निकाल देंगे जो पानी में डिसॉल्व हो गया, तो यहां पर एक्स और यहां पर एक्स आ जाएगा। आपने कहा एक्स बराबर ए अल्फा, ए वैसे तो इनिशियल वैल्यू होती है, यहां पर ए का मतलब सॉलिबिलिटी से होगा, सॉल्ट का वो पार्ट जो पानी में डिसॉल्व कर गया है, तो पानी में डिसॉल्व कर गया क्या एस अल्फा, तो सॉलिड से क्या निकल गया, तो सॉलिड से एस अल्फा निकल गया, तो यहां पर आ गया एस अल्फा। यहां से कर लीजिए, यहां पर एक्स था तो यहां पर क्या होना चाहिए था 2x, तो यहां पर क्या होना चाहिए था 2s अल्फा। इक्विलिब्रियम पर लॉजिक, इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर होता है वो k कहलाता है, तो k बराबर हो जाएगा कैल्शियम प्लस 2 एक ब्रैकेट में और सीएल माइनस आई का स्क्वायर नंबर पावर में जाएगा अपॉन इधर आएगा सीएससीएल2। कैल्शियम की वैल्यू एस अल्फा, कैल्शियम की वैल्यू एस अल्फा, सीएल की वैल्यू 2s अल्फा, 2s अल्फा का स्क्वायर अपॉन कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू हो जाएगी सॉलिड माइनस एस अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी सॉलिड माइनस एस अल्फा। और देखिए सॉलिड माइनस एस अल्फा इसमें से एस दो वजह, देखिए एस अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सॉल्युबल अमाउंट बहुत थोड़ा होता है, अगर ये अमाउंट बहुत थोड़ा होगा तो सॉलिड जितना था उसमें से निकलने के बाद पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू सौ सेम ही आएगी। 100 ग्राम पहले था 99.8 बचा तो क्या फर्क पड़ता है, आप इस पूरी वैल्यू को कौन सा मान सकते हैं, एक वजह ये है। दूसरा कहिए पूरा अमाउंट क्या है, सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है कांस्टेंट, दिस इज द कॉज, इस पूरी वैल्यू को आपने क्या मान रखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा केएसपी, मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4 एस क्यूब और शायद अल्फा क्यूब। जब तक अल्फा ना दिया जाए तब तक अल्फा की वैल्यू को आप 100 पर सपोज करेंगे, 100 का मतलब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो KSP बराबर क्या आ जाएगा 4S क्यूब, KSP बराबर 4S क्यूब। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी यहां पर बन सकता है, या एक फॉर्मूला और ट्राई करता हूं वो देखिए, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए केवल न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी समझिए, अभी थ्योरी और ओपन होती है धीरे धीरे। एक एग्जांपल और देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है A2B3, एक सॉल्ट ऐसा दे रखा है A2B3, बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए फॉर्मूला इसके लिए आप सबसे पहले मानेंगे कि ये मेरे पास एक सॉलिड है, मान लिया 100 ग्राम एग्जाम्पल मानता हूं, 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम कुछ भी मान लो, एक सॉलिड है जो पानी में डिजॉल्व हुआ है और सैचुरेटेड कंडीशन पर, मतलब जितना उसे पानी में डिजॉल्व होना है उतना हो गया, उस कंडीशन में जाते जाते इसके दो आयन और इसके तीन आयन दिखाई जाएंगे। जब मैंने इसको पानी डिसॉल्व नहीं किया था तब ये 0-0 था, और जब ये 2-4-6 घंटे जितना डिसॉल्व होना है हो गया, तो आप कहेंगे इस सॉलिड में से कुछ अमाउंट निकल गया, और देखिए यहां पर 2 और 3 लिखा तो यहां 2x आ गया और यहां पर 3x आ गया, एकदम इक्विलिब्रियम के लॉजिक है, कोई नई बात नहीं है, बस अब आयनिक के अंदर आयनों के साथ सॉल्ट में पढ़ा रहा हूं, बस खाली हेडिंग के नाम में परिवर्तन आता है, बाकी लॉजिक सेम है। तो टूटा हुआ पार्ट x बराबर a अल्फा, जहां पर आप a को इनिशियल वैल्यू कहा करते थे, यहां पर एक सॉल्युबल अमाउंट है, सॉल्ट का वो अमाउंट जितना पार्ट डिसॉल्व हो गया, लिया था मैंने 500 ग्राम मान लो सॉल्ट, लेकिन डिसॉल्व तो 0.001 ग्राम हुआ, तो हम कहेंगे यहां पर a का मतलब है वो इनिशियल वैल्यू सॉल्युबिलिटी की जो पानी में डिसॉल्व हुई है, दैट इज s अल्फा, ये देखिए s अल्फा। तो सॉलिड में से क्या निकल गया एस अल्फा निकल गया, यहां पर क्या आ गया 2s अल्फा आ गया, यहां पर क्या आ गया 3s अल्फा आ गया, लेकिन ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये किस फेज में होगा सॉलिड में, और सॉलिड एक्टिव मास क्या होता है कांस्टेंट। ये सारी बातें मैं कहां बता रहा हूं इक्विलिब्रियम पर, कैसे मालूम चला इक्विलिब्रियम, मैंने पहले रटा दिया आपको कि जब भी कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाता है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम पर माना जाता है, इसको आपने नोट फॉर्म में नहीं लिख लिया है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है, इसका अपना k किसके बराबर आ जाएगा a प्लस आयन की पावर 2 और b माइनस आयन की पावर 3 के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s अल्फा, ये हो जाएगा 3s अल्फा। अच्छा आप चाहे तो ये भी कह सकते थे इन दोनों की वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू a2b3, लेकिन ये वाला अमाउंट क्या है सॉलिड, सॉलिड एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1,
तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2s अल्फा का स्क्वायर 3s अल्फा की पावर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ksp बराबर 2 दूनी 4 और 3 27 इसका मतलब है 2 की पावर 2 3 की पावर 3 s और अल्फा आप चाहें तो लिख लें कॉमन करके s अल्फा की पावर 2 और 3 तो ये हो जाएगा 5 कुछ इस तरह से ksp का फार्मूला आएगा तो ksp बराबर यहां पर 2 की पावर 2 3 की पावर 3 s अल्फा की पावर 5 और क्वेश्चन में अल्फा अगर नहीं दिया गया है तो आप सपोज कितना करेंगे 100% 100% में हो जाएगा 100 अपॉन 100 दैट इज 1 एक बार इसी को उन्होंने ऐसे भी पूछा है कि अगर कोई सॉल्ट इस तरीके का हो तो फार्मूला क्या बनेगा इस तरीके का मतलब किस तरीके का देखें किस तरीके का अगर कोई सॉल्ट आपको दे दिया जाए ए एम बी एन तो बताओ इस सॉल्ट के लिए ksp का फार्मूला क्या होगा मैं आंसर बता दे रहा हूं फार्मूला होगा m की पावर m n की पावर n s अल्फा की पावर m प्लस n ये फार्मूला होगा कैसे आया है देखें आप कहेंगे ये एक सॉलिड है और ये एक वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट है वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट है ये पानी में ना के बराबर डिसॉल्व होता है मैंने मान लिया मैंने इसको 100 ग्राम ले रखे हैं पानी में 2 4 6 घंटे पड़े रहने दिया उम्मीद तो ये है कि कभी टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा ये देखिए लेकिन जब मैंने पानी में डाला तो शुरू में उसने इक्विलिब्रियम नहीं बनाया होगा 2 4 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मैंने छोड़ दिया जितना डिसॉल्व होना था वो हो गया और उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर क्या एस्टैब्लिश हो गया एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ये कंडीशन आप तभी मानेंगे जब सॉल्यूशन कैसा हो जाए सैचुरेटेड मतलब इस कंडीशन पर आप और ये सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते जितना डिसॉल्व होना था वो हो चुका है शर्त है पानी आपने 1 लीटर लिया होगा इस एक्सपेरिमेंट में और टेंपरेचर 25 डिग्री लिया होगा क्योंकि यदि आप पानी को बढ़ाते जाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा पानी में डिसॉल्व होने लगेगा लेकिन जब आप पानी का अमाउंट बढ़ाएंगे तो सॉल्ट का अमाउंट बढ़ेगा लेकिन पर लीटर में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी हाँ टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है इसीलिए एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री पर ही फिक्स रखे गए हैं अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी x है 25 डिग्री पर तो ऑब्वियस 50 या 60 डिग्री पर उसकी वैल्यू उसकी सॉल्युबिलिटी 2x या 3x या 4x होगी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने पर जनरली कोई फिक्स रूल नहीं है लेकिन टेम्परेचर को फिक्स रख करके ही ये सारा चैप्टर और ये सारा न्यूमेरिकल आप करेंगे क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है और ये सारा हेडिंग चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो चाहे सॉल्ट हो सब इक्विलिब्रियम की बातें हो रही है इसलिए टेम्परेचर में आप कोई चेंज नहीं कर सकते चलिए तो मैंने कहा ये सॉलिड है आपने कहा शुरू में वैल्यू जीरो होगी कुछ देर के बाद यहां से कुछ अमाउंट निकल गया मान लीजिए एक्स तो यहां पर आ जाएगा एमएक्स और यहां पर आ जाएगा एनएक्स टूटा हुआ पार्ट x बराबर a अल्फा a का मतलब इनिशियल वैल्यू कितना अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो गया मैंने मान रखा था मान लो यहां पर 500 ग्राम था तो 500 ग्राम में से थोड़ा सा अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो गया उस थोड़ी सी वैल्यू को मैंने क्या बोला s s का मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी भी मोल्स पर लीटर होता है कंसंट्रेशन भी मोल्स पर लीटर होता है इसीलिए जहां पर कंसंट्रेशन रखते थे वहां पर मैं सॉल्युबिलिटी रख रहा हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती हैं इसको उठाओ वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा सॉलिड माइनस एस अल्फा ये हो जाएगा एम एस अल्फा और ये हो जाएगा एन एस अल्फा ओके तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन चल रही है इस पर के का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस की पावर एम जो भी नंबर होगा वो पावर में जाएगा और बी माइनस की पावर एन और नीचे आ जाएगा ए एम बी एन और जो किस फॉर्म में है जो सॉलिड फॉर्म में है a की वैल्यू किसके बराबर है a की वैल्यू m s अल्फा के बराबर है इसकी पावर m b की वैल्यू किसके बराबर है n s अल्फा के बराबर है इसकी पावर n और ये पूरा क्या है सॉलिड जिसका एक्टिव मास क्या होता है कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू क्या है कि ksp n की पावर m बचेगा यहां यहां पर n की पावर n आएगा s अल्फा दोनों में कॉमन ले लो जहां पर आपको दिखाई देगा m प्लस n वो प्रूफ कर दिया जो मुझे प्रूफ करना था तो इसके ऊपर आपको खूब न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर कुछ आपको एकेडमिक लेवल और कॉम्पिटिशन लेवल पर रीजनिंग देखने को मिल सकती है ये मैं बता रहा था ksp पहले बताया सॉल्युबिलिटी क्या होती है फिर बताया ksp
कहां पर लिया जाता है, केएसपी लिया जाता है इक्विलिब्रियम पर। फिर समझिएगा, ये हेडिंग में सॉल्ट के ऊपर पढ़ा रहा हूं, किस सॉल्ट पर, उस सॉल्ट के ऊपर जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होता है। अगर पानी में बहुत कम डिसॉल्व होता है तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से एस्टेब्लिश हो गया होगा, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन वन डायरेक्शन चली जाएगी, तो फिर उसके ऊपर इक्विलिब्रियम जल्दी डिसॉल्व नहीं होता और फिर पूरा का पूरा ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। तो उसके बारे में आपको क्या पढ़ाऊं कि कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाएं कैसे घटाएं, ये डिस्कशन ही नहीं मिलेगा हमको। जो थोड़ा डिसॉल्व हुआ है उसके ऊपर ली चैटलर प्रिंसिपल, टेम्परेचर का इफेक्ट, कॉमन आयन लगा करके मैं पता कर सकता हूं कि कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं और कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी घटा सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके इस हेडिंग में उन न्यूमेरिकल उन सॉल्ट्स को लिया गया है जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। ओके, अब मैंने कहा कि आप एक सॉल्ट कोई भी सॉल्ट ले लीजिए लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, उसको बहुत देर पानी में पड़ा रहने दीजिए, 2, 4, 6, 10, 15, 20 घंटे, जितना डिसॉल्व होना है वो हो गया। पहले ही चौक का वेट 100 ग्राम था, आपने बाद में 10, 15, 20, 50 घंटे का चौक को निकाल के बाहर देखा तो 99.8 ग्राम आया, मीन्स बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही पानी में डिसॉल्व हुआ है। इसका मतलब ये इस कैटेगरी का ही सॉल्ट है जिस कैटेगरी में मैं चाहता था। और फिर मैंने कहा कि इस सिचुएशन पर उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इस सॉल्यूशन को मैं सैचुरेटेड कहूंगा, और जैसे मैं कहूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वैसे ही आप कहेंगे इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टेब्लिश हो गया, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इक्विलिब्रियम की मैंने लॉजिक लगा दी है, बस एक नई बात यहां पर बोल दी है, जो टूटा हुआ पार्ट x बराबर a अल्फा होता था जहां पर a को आप इनिशियल वैल्यू मानते थे, यहां पर मैं उस इनिशियल वैल्यू को सॉल्युबिलिटी मानता हूं, बस ये खास बात है। जहां पर आप कहेंगे कि उस सॉल्ट का कितना पार्ट पानी में डिसॉल्व हुआ है, बाकी मैंने कोई आपको नई बात नहीं बताई है। अब जब मैं आपको केएसपी बता चुका हूं तो अब बात करना चाहता हूं मैं आपसे केआईपी की। जरा केएसपी और केआईपी में क्या डिफरेंस है इस बात पर गौर कर लें। देखिए केएसपी क्या है और केआईपी क्या है, देखने में आपको नया लगता है, सच्चाई दोनों आपकी पहले की पढ़ी वैल्यू है। आप केआईपी कुछ नया मत मानिए, आप मान लीजिए केआईपी जो होता है वो क्यों होता है, जो आप हमसे केमिकल में पढ़ा करते थे क्यों, ये वही है। केएसपी का फॉर्मूला भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन आर होता है और इसका फॉर्मूला भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन आर होता है। लेकिन आपको याद होगा जब आप कहते थे के बराबर पी अपॉन आर तो उस समय कहते थे ये कहां पर है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, और जब आप क्यू की बात करते थे तो आप कहते थे कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं है, बस ठीक ऐसा ही लॉजिक यहां पर है। मैं आपसे कहूंगा जैसे आप K और Q में रिलेशन पढ़ते थे, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ठीक वैसे ही KSP और KIP में भी रिलेशन पढ़ी जाती है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। जैसे वहां पर आप कहते थे कि K की वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वैसे मैं कहूंगा यहां पर इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है। जैसा आप यहां कहते थे अगर के क्यू के बराबर हो जाएगा तो आप कहते थे वो इक्विलिब्रियम होगा, वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा, ठीक वैसे ही जब यहां पर ये स्थिति आएगी तो भी आप कहेंगे कि वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। जब आप कहते थे वहां पर कि क्यू छोटा हो गया है, क्यू छोटा कब होगा, जब पी की वैल्यू कम होगी और आर की वैल्यू ज्यादा होगी। जब क्यू छोटा होता था तो आप सोच के देखिएगा आप क्या करते थे कि उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन भागेगी, अगर क्यू बड़ा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन भागेगी, ठीक वैसे ही यहां पर भी होता है। जब आप कहते हैं केआईपी छोटा है तो केआईपी छोटा होने पर रिएक्शन आगे भागती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और केआईपी बड़ा होने पर रिएक्शन पीछे भागती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जरा बात को सोच के देख लीजिए, यहां पर हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में केआईपी है क्या, मैं फिर कह रहा हूं आप केआईपी समझेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, आप क्यू से लिंक करिए तो इजीली पकड़ लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको क्यू की तरफ चलता हूं पहले, अगर मैं आपसे कहूं पीसीएल 5 इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ऐसे लिखा हुआ है और आपने कहा है उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बराबर पीसीएल 3 एक ब्रैकेट में सीएल 2 एक ब्रैकेट में अपॉन पीसीएल 5 है, और मान लीजिए आपने कहा है इक्विलिब्रियम पर इसके दो मोल है, इक्विलिब्रियम पे इसके दो मोल है, ये एक है, मान लीजिए आपने कह दिया, तो आपने कहा इसका मतलब 2 × 2 इसका जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, ये इसका इक्विलिब्रियम है, इस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर
आप PCl3 और Cl2 के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। अगर आप इन दोनों के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस आंसर 4 से बड़ा आएगा, और जैसे 4 से बड़ा आएगा वो K नहीं, वो क्या कहलाएगा, वो Q कहलाएगा। इसका मतलब है Q क्या हो गया, या तो 6, 7 या 8 क्विंटल बढ़ाएगा। अब आप कहेंगे Q जो है वो K से बड़ा हो गया, मतलब एक स्टेबल पोजिशन कहां चली गई, अनस्टेबल सिचुएशन चली गई। तो यही वहां पर के था और यहां पर ये क्यू हो गया, इस जगह पर इसको अनस्टेबिलिटी मिलेगी। ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए वापस के को पाना चाहेगा तो कहां भागेगा, बैकवर्ड भागेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कहां भागती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर कंडीशन नंबर टू, अगर PCl5 की इसी स्टूडेंट पे के की वैल्यू 4 है और आपने क्या करा, PCl5 को बढ़ा दिया, इसको नहीं बढ़ाया, PCl5 बढ़ा दिया। अगर आप PCl5 बढ़ा देंगे, मान लीजिए आपने 1 डिग्री पे 2 कर दिया, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। नीचे 2 है, ऊपर 4 है, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो Q है, अब Q लेस देन Q के हो गया। स्टेबिलिटी कहां पर आती है, K पर। आपने K को डिस्टर्ब कर दिया, उसे Q बना दिया, तो कहां चला गया, पीछे। अब यहां से वो देख रहा होता है कि K स्टेबल यहां पर है, वो तो अनस्टेबल है, तो दौड़ करके आगे आकर के K के पास आना चाहेगा। मिस इस सिचुएशन में कहां भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा। जैसे आप ये बढ़ा करते थे, ठीक ऐसा ही लॉजिक आपको वापस यहां लगाना है। बस आपकी आपको KIP को क्यों मान के समझना है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के मामले में, अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के न्यूमेरिकल में, सपोज करिए कि मैं आपसे कहता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस तरह से एस्टेब्लिश हो रहा है। अब मैं आपको KSP और KIT दिखाता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर जो KSP का फॉर्मूला है वो कैल्शियम एक ब्रैकेट में और कार्बोनेट दूसरे ब्रैकेट में है, ये फॉर्मूला है। और यहां पर आपने इन लोगों की न्यूमेरिकल रूप रख करके KSP का आंसर निकाल लिया, और सपोज करिए वो आंसर कुछ ये आ रहा है, इतना 2 × 10⁻¹। अब ये फिक्स टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू है, यहां पर ही अपने आपको स्टेबल फील कर रहा होगा। जैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी बढ़ा करके घटा करके, वैसे आप इस सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में, इस बर्तन में अगर आप कैल्शियम आयन या कार्बोनेट आयन का अमाउंट बढ़ा दें, कोई सॉल्ट मिला दें, और क्योंकि बर्तन खुला है आप सॉल्ट तो और भी मिला सकते हैं ना, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मिला तो सकते हैं। जब आप और सॉल्ट मिलाएंगे, जिससे इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू फॉर्मूले में क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है ये इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, ये के नहीं कहलाएगा, इसको आपने डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आप ये बढ़ा देंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है इसके बढ़ने से इसका आंसर हो सकता है यार 2 × 10⁵ आ जाए, आपने बढ़ा दिया है, सिख लिया, 6 आ जाए। अब अगर ये 6 आ जाएगा तो आप इसको ही क्या कहेंगे, अब आप इसको KIP कहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम से डिफरेंट पोजिशन है। और इस समय KIP की वैल्यू क्या है, KSP से बड़ी है। ऐसा करने के लिए वो स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल आगे भाग गया है, वो आपने बड़ा कर दिया है। जब वो आगे भाग गया है तो आगे आके देखेगा कि मेरी स्टेबल पोजीशन तो पीछे है, तो क्या करेगा, वो पीछे भागना चाहेगा। मीन्स ऐसी रिएक्शनें पीछे भागती हैं, पीछे भागेंगे तो क्या करेगा, अगर ये रिएक्शन पीछे भागने लगेगी तो क्या होगा, अगर ये जब पीछे भागने लगेगी तो पीछे कौन बैठा हुआ है, पीछे अनडिसॉल्व्ड अमाउंट बैठा हुआ है। पीछे कौन बैठा है, पीछे सॉलिड मटेरियल बैठा हुआ है। अगर आप इसका अमाउंट बढ़ाएंगे तो लॉजिकली रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी। आप ली चैटलर प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है ये बढ़ाओगे तो आगे भागेगी और ये बढ़ाओगे तो पीछे भागेगी। जैसे आपने ये बढ़ाया फिर पीछे भागेगी, पीछे भागेगी तो ये बनने लगेगा, और ये बनने लगेगा तो ये अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में बॉटम पर बैठ नहीं जाएगा। अगर ये बैठ जाएगा तो यहां पर PPT नहीं आ जाएगा। इसका मतलब जब जब KIP की वैल्यू KSP से बड़ी होती है, तब तब आप कहते हैं कि वहां पर क्या आ गया है, वहां पर प्रेसिपिटेट आ गया है। जबकि उससे पहले जब KSP और KIP एक दूसरे के बराबर थे, आपने इनका अमाउंट बढ़ाया नहीं था, जितना KSP था वही KIP था। जैसे जो K होता है वही Q होता है, वैसे जैसे KSP होता है वही KIP होता है, तो आप कहते हैं इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी क्वेश्चन में KSP की वैल्यू मान लीजिए कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन के रिस्पेक्ट में 2 × 10⁻¹ होनी चाहिए, या आपने एज एक्सपेरिमेंट पता कर रखा है कि ये होनी चाहिए, इसकी स्टेबल पोजीशन यही है,
और आपने बहुत थोड़ा कैल्शियम या बहुत थोड़ा कार्बोनेट ही शुरू में डाला, मतलब ये अमाउंट आपने पहले ही एक्सपेरिमेंट में बहुत कम डाला है, जिसकी वजह से यहां पर डेवलप होने वाला जो KIP होगा, दैट इज आयनों का प्रोडक्ट, मान लीजिए वो वैल्यू 10^-15 आ रही है। इसका मतलब है आपने इन दोनों का अमाउंट बहुत कम डाला है। ये कौन सी वैल्यू है? ये फिक्स वैल्यू है। ये कौन सी पोजीशन है? ये स्टेबल पोजीशन है। ये इस तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अभी आपने अमाउंट बहुत कम डाला है। मीन्स KIP की वैल्यू क्या है? KSP से छोटी आ रही है। मतलब क्यों क्या है? क्यों K से छोटा आ रहा है? जब क्यों K से छोटा आ रहा है, क्या करेगी? आगे भागेगी, आगे भागेगी, फॉरवर्ड भागेगी। अगर ये लॉजिक यहां लगाया जाए, अगर इसकी वैल्यू हम पहले ही बहुत कम डालें, इसकी वैल्यू हम पहले ही बहुत कम डालें, तो रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेबल पोजीशन को पाने क्या करेगी? आगे भागेगी। और आगे भागेगी तो क्या होगा? वो डिसॉल्व होगा। मतलब सोल्यूशन अभी कैसा है? अनसैचुरेटेड है, और वो सैचुरेटेड होना चाहता है। अब आप ये वैल्यू बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, कुछ समय के बाद भागते 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 डिसॉल्व होना बंद कर देगी। मतलब आपने अपना KIP बढ़ाकर KSP के बराबर कर लिया। मतलब आपने अपना क्यू बढ़ा करके के इक्विलिब्रियम के बराबर कर लिया। इक्विलिब्रियम आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आ गया। लेकिन अब और आयंस बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी और इस इक्विलिब्रियम के आगे भाग जाएगी। जब वो आगे भाग जाएगी तो आप कहेंगे KIP KSP से बड़ा हो गया, मतलब क्यू KP K से बड़ा हो गया। उस कंडीशन में रिएक्शन स्टेबिलिटी को पाने के लिए बैकवर्ड भागेगी, और जब रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी तो ये अनडिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा, और जब ये अनडिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी समझ गए, KSP समझ गए, KIP समझ गए। और KSP और KIP को अलग से मत पढ़ो, वो K और Q ही है। जब आप इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल लगाते हैं तो क्यू पे लगाते हैं कि K पे लगाते हैं? इक्विलिब्रियम के सभी न्यूमेरिकल K पे लगाए जाते हैं। सारे लॉजिक ली चटलियर या जो भी आप लॉजिक लगाते हैं वो आप K पर लगाते हैं, क्यू पर नहीं लगाते, क्यू तो वेरिएबल है। ठीक वैसे ही इस हेडिंग में भी आप जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे? KSP कंडीशन पर लगाएंगे। और KIP जो होता है वो एक वेरिएबल वैल्यू होती है, जो KSP से कम भी हो सकती है और KSP से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए, ये कहा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Find out the solubility of calcium carbonate in the following cases. Find out the solubility of calcium carbonate in the following cases. क्या है वो following cases? देखिए, पहला क्वेश्चन, calculate solubility of calcium carbonate in water, इस क्वेश्चन नंबर ए, in 0.1 molar sodium carbonate, in 0.2 molar calcium carbonate, क्वेश्चन नंबर डी, in 0.3 molar NaCl solution। पूछिए, और आपको क्वेश्चन में KSP दे रखा है, KSP ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 2×10^-10। पूछिए क्वेश्चन है, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे? जैसे ही आपको KSP का न्यूमेरिकल दिखाई दे, आपका पहला काम होता है ये पता करना कि यहां पर इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। बहुत एक बार फिर से रिकैप करता हूं बहुत स्पष्ट भाषा में, KSP का जो फॉर्मूला होगा वो कैटाइनों और एनायनों के रेशियो पर डिपेंड करेगा। इनके बीच रेशियो हो सकता है 1:1 हो सकता है इसका रेशियो 1:2 हो सकता है इसका रेशियो 1:3 हो। अगर 1:1 हुआ तो आंसर आता है, अगर आपको याद जनरल फॉर्मूला में बताया था आपको n^n, जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको n^n, n^n एस एल्फा की पावर एम प्लस एन, ये मेरा जनरल फॉर्मूला था। अगर 1:1 का रेशियो है तो एक कैटायन और एक एनायन, किसी को भी कैटायन मानो किसी को भी एनायन मानो फर्क नहीं पड़ता, एस एल्फा की पावर 1+1। एल्फा की वैल्यू को दिया है तो ठीक है, नहीं दिया सपोज टू बी 100, तो यहां सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? एस स्क्वायर। 1^1, 2^2, एस एल्फा की पावर 1+2, आंसर आ जाएगा 4SQ। 1^1, 3^3,
एस अल्फा की पावर 1+3, आंसर आ जाएगा 27 एस की पावर 4। इसका मतलब है कि एसपी के सभी क्वेश्चनों में सबसे पहले तुमको फॉर्मूला डिसाइड करना होगा। तो तुम देख लो कि 1:1 का रेशियो है, जैसे यहां पर एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट है, तो 1:1 का मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, चूंकि सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल है तो सैचुरेटेड कंडीशन मान लेता हूं मैं, ये कैल्शियम ये कार्बोनेट, ऑब्वियस मैंने इसको कहां बोला होगा, पानी में, पानी टूट रहा होगा H+ और OH-। और देखिए यहां पर एक बात तो कंफर्म दिखाई दे रही है, इनमें से कोई आयन कॉमन नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको कॉमन एफर्ट का लॉजिक नहीं लगाना है, कॉमन एफर्ट का लॉजिक नहीं लगाना है। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए केएसपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो केएसपी का फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम +2 एक ब्रैकेट में और कार्बोनेट -2 एक ब्रैकेट में। 1:1 के लिए केएसपी का सीधा फॉर्मूला जान चुके हैं, केएसपी का फॉर्मूला इसके लिए एस अल्फा, इसके लिए एस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी गई है ना पूछी गई है, तो ये हो गया एस स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू को मैंने सपोज टू बी 100% मान करके वन कर लिया, ये खत्म हो गया। तो ये मेरे लिए केएसपी का फॉर्मूला आ गया, ये देखिए ये केएसपी का फॉर्मूला आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप केएसपी की वैल्यू दीजिए तुमको क्वेश्चन में, ये एक्सपेरिमेंट में फिक्स वैल्यू होती है, आपको नंबर दे रखी होगी, ये बराबर है एस स्क्वायर। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 2×10^-10। तो ये रूट 2 की वैल्यू 1.432 अप्रोक्सीमेट देख लीजिएगा, × 10^-5। सॉलिबिलिटी मैंने पहले बताया था आपको, सॉलिबिलिटी यूनिट और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट एक होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसको हो जाएगी मोल्स पर लीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया, क्या पहला आंसर आ गया, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ CaSO3 इन वाटर, मैंने CaSO3 सॉलिबिलिटी इन पानी में चेक कर ली है। अभी मैंने किस निकाला है, मोल्स पर लीटर में। अगर आपसे क्वेश्चन जहां पूछ ले कि नहीं मुझे ग्राम पर लीटर बताओ, तो देखिएगा मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लीटर से रखा है। तो अगर वो आपसे मोल पर लीटर पूछा तो आंसर ये होगा, अगर ग्राम पर लीटर पूछा तो क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, कैल्शियम का 40 और इसका 60, दैट इज 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 143.2 × 10^-5 ग्राम पर लीटर, भी इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी मैंने मोल्स और ग्राम दोनों में निकाल दी। अब वो पूछ रहा है ये दोनों में, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन आंसर से लगेंगे। देखिए बुक में बहुत टफ निकाला गया है, मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूं। कह रहा मुझे इसकी सॉलिबिलिटी दोबारा बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में, पॉइंट नंबर बी देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी पूछी जा रही है जिसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऑब्वियस वहां पर पानी भी होगा, लेकिन पानी से मुझे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉमन आयन नहीं लग रहा है, लेकिन वहीं पर उसने चीज और घोल दी है, बोलो क्या, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट घोल दिया है तो सोडियम कार्बोनेट को आप ऐसे लिख लीजिए कि साहब यहां पर सोडियम कार्बोनेट ऐसे होगा, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर दो सॉल्ट आ गए हैं, एक सॉल्ट ये है और एक सॉल्ट ये है, जिस सॉल्ट के ऊपर केएसपी दिया गया हो उस सॉल्ट को आप हमेशा वीक सॉल्ट मान लीजिएगा, क्योंकि उस पर इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश होगा। और जो दूसरा सॉल्ट आपको क्वेश्चन दिया गया हो और जो दूसरा सॉल्ट आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसको आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कराइएगा। बाय डिफॉल्ट आपको याद करने ट्रिक बता रहा हूं, जिसके ऊपर केएसपी दिया गया है उसे वीक मानिएगा और जिसका केएसपी नहीं दिया गया है उसको आप स्ट्रॉन्ग मानिएगा। दो सॉल्ट सॉलिबिलिटी के न्यूमेरिकल में आपके क्वेश्चन में एक सॉल्ट में दूसरा सॉल्ट डाला गया है, तो जिसके ऊपर केएसपी दिया गया है दैट इज सपोज टू बी वीक और जो दूसरा सॉल्ट है दैट इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। अब यदि ऐसा है तो आप कहेंगे कि ये वीक होने की वजह से इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश होगा। कैसे पहचाना आपने वीक है, इस पर आपको केएसपी दिया गया है या पूछा गया है, ये कैसे माना चल आपने कि स्ट्रॉन्ग है, ना केएसपी दिया गया है ना पूछा गया है, तो आपने सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वन डायरेक्शन है, इसमें मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन नहीं लगाया, तो के का फॉर्मूला इस फॉर्मूले पर लगेगा कि इस पर लगेगा, ऑब्वियस यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा क्योंकि वन डायरेक्शन है। तो केएसपी का फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम +2 एक ब्रैकेट में और कार्बोनेट एक ब्रैकेट में, इसकी सॉलिबिलिटी एस अल्फा होगी और इसकी सॉलिबिलिटी भी एस अल्फा होगी। अल्फा की वैल्यू को सपोज टू बी 100 मान रखा है तो बची सॉलिबिलिटी एस इंटू एस,
ये देखिए KSP का फॉर्मूला, और कैल्शियम कार्बोनेट में KSP का आंसर दे रखा है आपको 2 × 10⁻¹. 2 × 10⁻¹. ये KSP दे रखा था। अगर मैं यही बस सिंपल सॉल्युबिलिटी निकालूंगा तो आपको देखने में लगेगा ये न्यूमेरिकल तो ऐसे न्यूमेरिकल हो गया, लेकिन फर्क है यहां पर। इसमें इस बर्तन में Na2CO3 डालने के चक्कर में यहां पर क्या लग गया, पानी मिटा दे रहा हूं, पानी का मतलब नहीं है, ये क्या लग गया, ये कॉमन आयन लग गया। मैंने कहा था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे गली की दुकान कहते हैं, और जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे हम बिग बाजार कहते हैं। और जब कहीं पर बिग बाजार खुलती है तो गली की दुकान बंद हो जाती है, उसकी सेल नहीं होती है, मतलब इसके आने पर यह दुकान क्या हो गई, बंद हो गई, ये वापस चला गया। जब इसकी वजह से ये वापस गया तो इसकी वजह से इसके वापस आने से खाली ये वापस नहीं गया, ये भी तो वापस गया होगा, ये भी तो वापस गया होगा। अगर ये भी वापस गया और ये भी वापस गया तो एक पॉइंट पर नोट डाल लो, मैंने पहले बताया है शायद, फिर बता रहा हूं। कॉमन आयन के न्यूमेरिकल में कॉमन आयन की वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बराबर ली जाएगी। कॉमन आयन के न्यूमेरिकल में कॉमन आयन की वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ली जाएगी। जो क्वेश्चन कितनी है, पॉइंट वन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये पूरा का पूरा टूट गया होगा, कुछ देर के बाद ये जीरो हो गया होगा, ये पॉइंट वन इंटू टू हो गया होगा और ये पॉइंट वन हो गया होगा, और इसके आने की वजह से ये जो पहले ही बहुत कम था अब ये क्या चला गया होगा, वापस चला गया होगा। ये कॉमन आयन इफेक्ट है, लेकिन सच्चाई में देखो ये फर्स्ट चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर तुम इधर का अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन वापस जाएगी, यही तो ली चैप्टर कहता था, तो तुमने इधर का अमाउंट बढ़ाया तो रिएक्शन वापस ही तो जाएगी, ठीक है। तो ली चैप्टर से भी लग रहा है और कॉमन आयन से भी लग रहा है, बस एक नोट डाल लो कहीं पर कि कॉमन आयन के न्यूमेरिकल में कॉमन आयन की वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगी। इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में कार्बोनेट क्या है इस क्वेश्चन का, कॉमन आयन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, स्ट्रॉन्ग के बराबर होगी। तो ये आपने रख दिया पॉइंट वन कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट के लिए, जबकि इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी ये। अब देखिएगा इसके जाने पहले से ये वापस गया होगा तो ये भी वापस गया होगा, लेकिन वापस जाने पर क्या पूरा वापस ला गया होगा, नहीं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट यहां बचा होगा, बहुत थोड़ा सा बचा होगा, लेकिन कितना बचा होगा मुझे पता नहीं है। वही तो वैल्यू मैं यहां पता करना चाहता हूं कि अब इस समय इस कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो मैंने इस समय कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी अब यहां पता करना चाहा कि इस समय की सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो मालूम चला यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी 2 × 10⁻¹. नीचे आ गया है शायद 0.1, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻¹. शायद इस समय इसकी सॉल्युबिलिटी ये है। ओके, अंतर देख लीजिए, थोड़ी देर पहले आंसर ये आ रहा था, आप कह रहे थे सॉल्युबिलिटी ये है और अब आंसर ये आ रहा है। देखिए ये आंसर बड़ा है कि ये आंसर बड़ा है, ऑब्वियसली आंसर बड़ा है, अब ये वाला आंसर बड़ा है। देखिएगा अब आप कहेंगे ये वाला आंसर बड़ा है, इसका मतलब है आप ये कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की यहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और आप कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है कम, क्यों? देख लीजिए यहां पर जितना कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व होना चाहता था उतना हो गया था, लेकिन यहां पर जितना डिसॉल्व हुआ था उसमें से काफी अमाउंट आपने कॉमन आयन लगाकर वापस भेज दिया, तो जब ये वापस आ जाएगा तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, अनडिसॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर ये अमाउंट अनडिसॉल्व हो जाएगा तो डिसॉल्व अमाउंट यहां पर पानी में इसके कंपेरिजन में कमी तो पाया जाएगा, तो यहां पर आंसर छोटा ही तो आएगा। दिस इज द कॉज कॉमन आयन के लगने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जो थ्योरी पढ़ाई थी मैंने सेकंड थर्ड लेक्चर में उसको यहां पर मैं फिर से प्रूव कर सकता हूं। यही न्यूमेरिकल 0.2 मोलर CaCl2 के लगाते हैं, यही न्यूमेरिकल 0.2 मोलर CaCl2 के लिए। तो यहां पर मैं कहूंगा कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घोला है, लेकिन साथ में इस बार CaCl2 भी मिला दिया है, ये देखिए कुछ ऐसे ये मिला दिया है, ये देखिए। मैंने कहा जिसके ऊपर केस भी दिया गया है उसे वीक मानिए, जिसके ऊपर केस भी ना दिया गया पूछा गया स्ट्रॉन्ग मानिए, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वन डायरेक्शन चलेगा, जबकि ये वीक है तो डबल डायरेक्शन चलेगा। केस भी कहूंगा यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा, और फिर देखिए जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था ये सारा का सारा टूट जाएगा, पहले जीरो था जाएगा, जीरो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 2.2 इस। और देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, जब एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग हो और कॉमन आयन हो तो लॉजिक किसका लगेगा, कॉमन आयन का, और कॉमन आयन के न्यूमेरिकल में कॉमन आयन की वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेते हैं,
तो इस फॉर्मूले में Ksp की वैल्यू तो फिक्स है और कॉमन आयन है कैल्शियम जिसकी वैल्यू किसके बराबर लेंगे 0.2 की। अब आपको यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी यहां पर 2 × 10⁻¹⁰ तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 × 10⁻¹⁰ 2 × 10⁻¹⁰ कह सकता हूं। और यदि ऐसा होगा तो ये खत्म हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये होगा 10⁻¹⁹ और ये देखिए 10⁻¹⁹ जो पीछे वाला आंसर था जो 1.432 × 10⁻¹⁵ लिखा था मैंने, जो केवल पानी में पहले क्वेश्चन आंसर जो आया था, पहले क्वेश्चन का आंसर वो ये था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी, पहले क्वेश्चन का आंसर 1.7 1.432 10⁻¹⁵, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला है 2 × 10⁻¹⁹ और तीसरे का निकाला है 10⁻¹⁹। देखिए ये दोनों ही आंसर आपके इस वाले आंसर से छोटे हैं। वजह है क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉमन आयन नहीं लगा है और इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन आयन लगा है। जब कॉमन आयन लगता है तो रिएक्शन वापस भागती है और जब वापस भागेगी तो वो जो डिसॉल्व अमाउंट था वो पीछे भाग जाएगा तो अनडिसॉल्व बढ़ जाएगा और डिसॉल्व कम हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कम आई है। ये कॉमन आयन का न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी के साथ ये एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, टेक्स्ट बुक में एक आध दो और सॉल्व दिए हैं उनको देख लीजिएगा, आरसीएम जो क्वेश्चन है उनको भी लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और एक एग्जांपल और इसका एक एप्लीकेशन और देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने पूछा है इस तरीके जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो एग्जाम में खूब आते हैं, काफी टफ माने जाते हैं और आरसीएम में खूब दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इसका डिग्री का होता है, देखिएगा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि उसने कहा है कैल्शियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट 0.002 मोलर और 100 एमएल लिया गया है और दूसरा वैसे लिया गया है Na2CO3 का, जहां पर ये 0.002 मोलर 300 एमएल लिया गया है। पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद डबल डिकम्पोजिशन, ये सॉल्ट टूटेगा ये सॉल्ट टूटेगा फिर इंटरचेंज होगा तो क्या बन जाएगा, शायद आप मान लें NaCl बन जाएगा और कैल्शियम कार्बन बन जाएगा कुछ इस तरह से। कह रहा है इस मामले का Ksp एक्सपेरिमेंटली मुझे मालूम है 2 × 10⁻¹⁰। बताओ इन दोनों को मिलाने पर CaCO3 का PPT आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। एक बर्तन में CaCl2 है इतना, एक बर्तन में Na2CO3 इतना, इन दोनों को मिलाओ तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में इसका PPT बनेगा या फिर इसका PPT नहीं बनेगा, PPT कब बनेगा, जब KIP का आंसर KSP से बड़ा आएगा तब PPT बनेगा। PPT कब नहीं बनेगा, जब KIP KSP से बराबर होगा तो भी PPT नहीं बनेगा और अगर KIP और KSP में KSP बड़ा हुआ तो भी PPT नहीं बनेगा, इन दो केसों में PPT नहीं बनेगा। PPT खाली एक केस में बनेगा जब KIP का आंसर KSP से बड़ा हो। चलो तो मुझे KSP दे रखा है तो निकालना क्या है KIP, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी क्वेश्चन में आपको KSP दे रखा है और आपको KIP निकालना है, इट इज गिवन, ये पूछा गया है। मैं कह रहा हूं ठीक वैसा ही है जैसे आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको K गिवन है और Q निकालना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। KIP को बहुत ज्यादा उसमें मत लिया करिए, पता नहीं कौन सा नई चीज आ गई, मैंने बार बार बोला आपसे KIP क्यों ही होता है, क्यों का मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R ही होता है। बस ये किस पोजीशन पर होता है, ये बैरेबल पोजीशन पर होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होता है, इस समय इक्विलिब्रियम नहीं होता और अगर इस समय इक्विलिब्रियम नहीं होता होगा तो इक्विलिब्रियम के लॉजिक भी नहीं लगेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम लॉजिक मैं कैप लगाता हूं, मतलब इक्विलिब्रियम लॉजिक मैं यहां लगाऊंगा यहां पर नहीं लगाऊंगा, ये मोटी मोटी सी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बहुत मोटी मोटी सी बात, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए
अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए KIT का फॉर्मूला लिखूं तो K का मतलब है विद रिस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट तो नहीं बोलूंगा। IP का मतलब है आयनिक प्रोडक्ट, फॉर्मूला वही है कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक वैसे ही जैसे PCl5 के लिए अगर PCl3 और Cl2 में तोड़ा जाए तो K का फॉर्मूला PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, और Q का फॉर्मूला PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। फॉर्मूला दोनों के सेम ही होते हैं, बस अंतर यह है कि ये इक्विलिब्रियम पर निकाला जा रहा होता है और ये इक्विलिब्रियम के पहले या बाद निकाला जा रहा होता है। ठीक वैसे ही KIP का फॉर्मूला तो वही होगा जो आपने केस में देखा है, बस ये है कि ये इक्विलिब्रियम के पहले या बाद निकाला जा रहा होगा। तो यहां पर क्या निकल रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। किसी भी वेसल में कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, आप जितना चाहो उतना डाल दो, डालते जाओ भाई, जितना ऐसा डिजॉल्व होना है उतना डिजॉल्व होगा, लेकिन आप डाल तो ज्यादा भी सकते हो ना। तो ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू हमेशा KSP के बराबर होगी, इसकी वैल्यू KSP से बड़ी भी हो सकती है और इसकी वैल्यू KSP से छोटी भी हो सकती है। जैसे ये फिक्स लोकेशन है, ये स्टेबल लोकेशन है, लेकिन तुम इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो और इसकी वैल्यू को घटा भी सकते हो। तो क्यू छोटा भी हो सकता है और क्यू बढ़ा भी सकता है, वैसे यहां पर क्या है कि छोटा भी हो सकता है और बढ़ा भी सकता है। चलो चेक करते हैं, तो मुझे निकालना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। चलो एक काम करते हैं, पता करते हैं यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल कितने पूरे सॉल्ट में, पूरे नंबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा, मोल टी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी कितनी है 0.002 और वॉल्यूम यहां पर लीटर में है, यहां पर एमएल में दिया है तो लीटर में आ जाएगा ये, ठीक है नंबर ऑफ मोल आ गया। तो यहां पर शायद वैल्यू आ जाएगी 2×10⁻⁴ मोल। यस किसके मोल आ गए, ये CaCl2 के मोल आए हैं। जरा CaCl2 के मोल नंबर बोलो, अगर CaCl2 पानी में जाएगा तो किसमें टूटेगा, ऐसे टूटेगा। अगर मैं कहता है इसके एक मोल है मेरे पास, जैसे सपोज करो मैं कहता एक मोल है, तो टूटने के बाद जब ये जीरो बचता तो मैं कहता ये एक मोल आएगा और ये एक और दो दो मोल आएगा। अगर मैं कहता ये दो मोल है तो टूटने के बाद मैं कहता ये दो मोल आएगा, ये चार मोल आएगा। अगर ये दस मोल है तो ये दस आएगा, ये बीस आएगा, लेकिन उसने कहा है ये कितने मोल है, ये 2×10⁻⁴ है। तो शुरू में जीरो जीरो होगा, लेकिन टूटने के बाद जब ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2×10⁻⁴ और ये हो जाएगा 2×10⁻⁴। ऐसे मुझे मतलब है कैल्शियम से, तो मुझे कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल मालूम है कि कितने हैं। जरा इसके नंबर ऑफ मोल पता करो, मोल्टी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल बराबर मोल्टी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल्टी है 0.002, वॉल्यूम है 300 का मतलब है 0.3, तो ये हो जाएगा 6×10⁻⁴ मोल्स। यस देखिए 6×10⁻⁴ मोल्स। देन अब अगर सोडियम कार्बोनेट के मोल्स इतने हैं, अगर सोडियम कार्बोनेट के मोल्स इतने हैं तो सोडियम के मोल्स डबल हो जाएंगे जबकि कार्बोनेट के मोल उतने ही रहेंगे। अगर ये एक है तो ये दो और ये एक होगा, अगर ये दो मोल है तो ये चार और दो होगा, और अगर ये 6×10⁻⁴ है तो ये हो जाएगा 6×10⁻⁴ × 2, जबकि ये रहेगा इतना ही मोल। देखिए तो आपको दोनों ही केसों में कैल्शियम के मोल भी मिल गए, आपको दोनों ही केसों में कैल्शियम के मोल भी मिल गए और यहां से आपको कार्बोनेट के मोल भी मिल गए। देखिए ये आपके कार्बोनेट के मोल है, ये कार्बोनेट के मोल है, ये और ये आपके कैल्शियम के मोल आ गए। इट इज योर कैल्शियम के मोल, कैल्शियम के मोल नहीं कहा, यहां से मैंने कैल्शियम के मोल निकाल लिए, यहां से मैंने कार्बन के मोल निकाल लिए। अब उसने कहा दोनों को जोड़ दो, दोनों को मिलाकर एक ही बर्तन में डाल दो। अब दोनों को मिलाकर एक ही बर्तन में डालोगे तो जितने मोल यहां है उतने ही मोल तो यहां रहेंगे, मोल थोड़े उधर जाएंगे। तुम 5 ग्राम शक्कर लो, उसको 1 लीटर के बर्तन में डालो, 10 लीटर के बर्तन में डालो, 100 लीटर के बर्तन में डालो, जो 5 ग्राम शक्कर है वो थोड़ी बदलेगी। अमाउंट ऑफ शक्कर या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर सेम रहता है। इसका मतलब है यहां से कैल्शियम कितने मोल आए, 2×10⁻⁴ आए, और यहां से कार्बोनेट कितने मोल आए, यहां से 6×10⁻⁴ आए, ये दोनों के मोल आए, एक अंतर आ गया है। यहां पर पानी 100 ml था, यहां पर पानी 300 ml था, लेकिन जब दोनों को मिला दोगे तो 100 और 300, यहां पर जो टोटल वॉल्यूम है वो यहां पर आते आते 400 ml हो गया होगा, यह बदलाव आया।
नंबर ऑफ मोल जितने हैं उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल जितने हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम दोनों को मिलाने पर टोटल वॉल्यूम 400 हो जाएगा। अब चूंकि मैं निकालने का जा रहा हूं के आई पी, क्योंकि केस पे मुझको दे रखा है, तो के आई पी का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम प्लस टू एक ब्रैकेट में और कार्बोनेट एक ब्रैकेट में। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर अपॉन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर, क्योंकि यही जगह एक्टिव मास की है और एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉलिडिटी, कुछ भी रखो। तो वैल्यू क्या जाएगी एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल 2 × 10⁻⁴ अपॉन लीटर में, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा 0.4। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट हट गया, तो आप कह दीजिए ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ इंटू 6 × 10⁻⁴ 4 और 4, चलो अभी लिखा रहने देते हो, यहां से हट गया 10⁻², ओके 10⁻², ऊपर चला गया तो ये 10⁻², जब ऊपर जाएगा तो यहां बचेगा 10⁻, ये प्लस 2 में जाएगा मतलब यह बचेगा, हटा दू ये कर दू, ये हट गया तो ये बचेगा 10⁻², ठीक। अब यहां से ये और ये कट गया, यहां से बचेगा 2, फिर यहां से ये और ये खत्म कर लो, यहां से बचेगा 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, 4 × 6 × 10⁻⁶ और 3/4 का मतलब चेक कर लेना कितनी वैल्यू आ जाएगी, अरे भाई 0.04 × 6 = 24, 4 × 28 लगभग 0.7 × 10⁻⁶, ये किसकी वैल्यू आई, ये KIP की वैल्यू आई। और KSP की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, कहां है KSP, ये देखिए KSP ये दे रखा है, जबकि KIP वैल्यू आई है 0.7 × 10⁻⁶, इसका मतलब है शायद KIP की वैल्यू KSP से बड़ी है, KIP की वैल्यू KSP से बड़ी है, मतलब Q की वैल्यू K से बड़ी है, और जब ऐसा होगा कहां भागेगी बैकवर्ड में, और जब भी कहां भागेगी बैकवर्ड में, जो डिसॉल्वड अमाउंट है वो क्या हो जाएगा अनडिसॉल्वड, इसका मतलब क्या आ जाएगा PPT आ जाएगा, क्या कंडीशन हो गई सर PPT आ जाएगा। इस ओमेगा को करने के बाद ये लाइन लिखनी होगी कि इस क्वेश्चन में PPT आएगा कि नहीं आएगा, फिर इस क्वेश्चन में PPT आ जाएगा, तो KIP का मान KSP से बड़ा है, क्यों का मतलब KIP मतलब क्यों, क्यों की वैल्यू K से बड़ी है, रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी तो जो कैल्शियम कार्बन की मैं बात कर रहा हूं पीछे भागेगा, पीछे भागेगा तो डिसॉल्व फॉर्म अनडिसॉल्व में जाएगी, मतलब PPT आ जाएगा। कॉपी कर लो, अगली हेडिंग बताता हूं मैं आपको सॉल्ट के ऊपर की नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें मैं आपसे उन सॉल्टों की बात करूंगा जो पानी में डिसॉल्व हो रही है। कॉपी कर लो।